हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज बना लेते हैं आलू का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता, जो कि बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है। और इसे बनाने के लिए आपको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों के छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आने ही वाला है। और बच्चों को भी आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है बॉइल्ड आलूओं को, तो हमें इसे मैश करना है। तो आप चाहे तो इसे हाथ से मैश करिए, चाहे तो आप इसे मैशर से मैश करिए। इसको अच्छी तरीके से पहले मैश कर दीजिए। तो आलूओं को हमें अच्छे से मैश करना है, मतलब कि इसमें जो बड़ी बड़ी गुठलियाँ होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। हमारे आलू बहुत ही अच्छी तरीके से मैश होने चाहिए, जिससे कि जो हमारा नाश्ता बनेगा ना, वो और भी अच्छा बनेगा। तो अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम और चीज़ों को ऐड करेंगे। इसमें हमने ऐड किया हुआ है 1 चम्मच नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपने कितना आलूओं को यूज़ किया उस हिसाब से आप नमक ले सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया हुआ है 2 से 3 हरी मिर्च को कट कर। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, और 1 थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया हुआ है हल्दी पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है हरी धनिया को कट करके। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऐड किया हुआ है चाट मसाला और भुने हुए जीरे को। अब इसको बाइंडिंग के लिए हमने इसमें ऐड किया हुआ है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को, और साथ में मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ब्रेड क्रम्स को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इन सबको मिलाने के बाद हमें इसका एक डोसा बना लेना है। तो हमें इसमें, अगर हम जब इसमें ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं और कॉर्नफ्लावर को यूज़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो बाइंडिंग वो हो जाती है। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा डो बन के तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये गीला लगे तो इसमें आप थोड़ा सा और भी कॉर्नफ्लावर को या फिर ब्रेड क्रम्स को मिला सकते हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से पहले मैश कर लीजिए। हाथ में हल्का फुल्का सा तेल भी लगा लीजिएगा, जिससे कि ये अपने हाथ में चिपकेगा नहीं और जो हमारा डो है ना, वो बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। जो हम डो तैयार करेंगे फ्रेंड्स, वो हमें थोड़ा सा सख्त चाहिए। इस हिसाब से आप उसमें कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी को ऐड करिएगा, ताकि जो हमारा डो है ना, वो थोड़ा सा सख्त हो। ठीक है, तो हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अपनी नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डो का जो पोर्शन ले लिया है, और इसे मैंने एक थाली को रख लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से फैला देना है स्क्वायर शेप में। ठीक है, तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप देने वाली हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हमें इसको फैलाकर इस तरीके से इसका एक तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर तैयार कर लिया है, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल हो गया है। अब इसको मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया है। ठीक है, तो जितना बड़ा आपको चाहिए साइज में, आप उतना बड़ा ले सकते हैं, इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा बनाया, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ये अच्छा लगे। तो बीच में से मैंने और कट कर दिया है, और अब इसको मैं ऐसे ट्रायंगल शेप देने वाली हूँ। तो मैंने बड़े भी बनाए थे और छोटे भी बनाए थे। छोटे मैंने बच्चों के लिए बनाए थे, और बड़े मैंने बड़ों के लिए बनाए थे। तो बस देखिए, इसे इस तरीके से कट करके ट्रायंगल सा शेप मैंने दे दिया है। तो क्या बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगता है छोटा छोटा खाने में। और यहाँ पर मैंने बड़ा भी बनाया हुआ है बड़ों के लिए। ठीक है, तो जो भी शेप आपको अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बस ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हमें फ्राई करना होगा। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल के कलर पर मत जाइए, हमारे घर पे शादी था तो बहुत सारा जो ऑयल था वो बचा हुआ था, तो बस उसी में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि इसमें कटलेट फ्राई हुआ था, तो इस वजह से उसका जो सेवैयाँ होती है और सूजी होता है वो उसमें मिक्स हो गया, इसलिए इसका कलर तेल का ऐसा लग रहा है। बस हमारा जो तेल है ना, वो गर्म हो चुका है। तब इसमें एक एक करके हम अपने ट्रायंगल को डाल देंगे। तो एक बार में जितना आए एक बैच में फ्रेंड्स, उतना ही ऐड करिएगा, ज़्यादा ओवर इस पर मत करिएगा। और जो हमारा तेल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा तेल गर्म नहीं होगा ना, तो फिर ये तेल को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो इसलिए जब हमारा अच्छे से तेल गर्म हो जाएगा, तब भी अपने नाश्ते को इसमें हम ऐड करेंगे, और गैस की फ्लेम जो होगी वो हाई होगी। तो इसे फ्राई होने के लिए मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही लगते हैं, जब इनका कलर इस तरीके से गोल्डन होने लग जाएगा फ्रेंड्स। तो बस इसे आप निकाल लीजिएगा, इसे आप चलाते भी रहेगा, ताकि हर तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए, और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार भी होते हैं। तो बस ये हमारा गोल्डन हो चुका है, फ्राई हो चुका है, तब इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चाहे तो आप इसे हरी चटनी के साथ इंजॉय करें, चाहे टमाटो केचप के साथ, सबके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को भी आप इसे लंच बॉक्स में दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी इसे बनाना है, बहुत ही झटपट से बनके तैयार भी हो जाते हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बनाइएगा फ्रेंड्स, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।